इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन, संति श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मोही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। सभी लोगों से निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर चढ़ने हेतु सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, और जब उन्हें ज्ञात होगा इन सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, ताई जी ने, मौसा जी ने, फूफा जी ने, जिया जी ने आदि ने कराया, तो कितने सौभाग्य की बात होगी। यदि इतिहास का यह गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना मन मानस बनाकर सीढ़ी की एक एक शिला से जुड़ते चलें। सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये निर्धारित की गई है। आप सभी से निवेदन, आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं, यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करते हैं। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के। प्रतिभा स्थली के ज्ञानदान से, गौशाला के करुणादान से, चल चरखा हथकरघा के श्रमदान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्वीकृति भिजवाते चलें, यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे। श्री प्रवीण कुमार जी जैन, एयरपोर्ट डायरेक्टर, तालियां बजाकर अनुमोदना, आप आए आचार्य भवन के ससंग कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य। आपके सुपुत्र भी आ जाएं, श्री प्रवीण कुमार जी जैन एयरपोर्ट डायरेक्टर रायपुर, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आप जिस शहर से आए हैं, जिस जिस समाज से आए हैं, आप अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक भिजवाते हैं तो हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे। श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन लल्ला जी, श्रीमती सुषमा जी जैन, आप भी आए, नागपुर से पधारे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं रामटेक परिवार, पूरा तालियां बजा कर अनुमोदना, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, और हम सभी को आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की।
हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, पापों के दल दल में फंस कर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, पापों के दल दल में फंस कर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सट आवानन। जय हो जय हो जय हो। स्थापनम जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पावीति। मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है, मिलकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। गुरु के नैनों से करुणा का नीर झलकता है, गुरु के नैनों से करुणा का नीर झलकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, पापों के दल दल में फंस कर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के गुरुवर ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा
ओ नाम तुम्हारा इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रेम सी 108 आचार विद्यासागर मनिंद्राय क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। इन नैनों से तेरी ज्योति का, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। ओ नाम तुम्हारा मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांत कारविनाशनाय दीपम निर्पामिति। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। स्वाहा। ओम रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, गुरुदेव की सूरत सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा आधारित है। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक निवेदन करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा जो घास फूस है हरा सूखा है जो कुछ भी उपलब्ध होता है
उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता है, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं, कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया किंतु हरी हो हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्यय के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं और उसमें बेचूक कभी भी चूक नहीं करते। वो गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाते, रात में वह जुगाली चलती है, खाया था उसको उसने ग्रहण किया था और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चर्वन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता तब तक नए सिरे से वो खाना बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं आप लोग बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना
विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा नाक मरोड़ करके तो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं। और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है, दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथन्ते ते पशव। जो चरवन करता है वो पशु, और वह इसके बिना खाते हैं उसको मृग कहा है। उनको चरवण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है, आदि आदि, ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं, लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवण करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। दो बार लाया खाया जाता है जुगाली। हाँ, किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है वो नहीं, सिंह मृग है, इसलिए मृगेंद्र कहलाता। क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें, जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए उपकरण दिए जाते हैं, जब वह पूर्ण हो जाता है अनुष्ठान के साथ, भावना के साथ, अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से पूर्व में कुछ अंतराल छोड़ करके कर लेता। अब ये कह रहा था, पशुओं के समान आप लोगों को जुगाली करना चाहिए। दिन में जो कुछ भी आपको दिया गया है, सुनाया गया है, उसको रात में तो स्वाध्याय के लिए हाँ कहा महाराज, हम कहा कह करें ना कहा है, लेकिन हाँ का अर्थ समझ में आता आपको, कैसे हाँ कहा है? नए सिरे से पढ़ना नहीं, किंतु जो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, उसको बार बार चिंतन में लाने के लिए उन्होंने जुगाली कहा। ग्रंथों में लिखा हुआ ये, उसको अर्थ के रूप में आप लोगों के सामने रखते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो हमने कहा ये स्वाध्याय के लिए, हमारे लिए आचार्य ने बहुत अच्छी युक्ति बताई
रात में चश्मा लगा करके लाइट जलवा करके आए, तुम ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो? हाँ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लाइट तो जलाओ। अब वो 10-10 बजे तक लाइट जलेगी, हम सोचते हैं क्या निर्दोष स्वाध्याय है ये? बोलो। हाँ, वाओ। दूसरी बात है, 12 घंटे के लिए अपने आप ही इनसे हम लोगों को परहेज हो जाता है। परहेज का मतलब, मैं तो वहीं पर रह करके लाइट जला करके बैठ जाएंगे ये 10 बजे तक, नहीं, लाइट के माध्यम से जीव त्रस जीवों का तक वध होता है। जो व्यक्ति त्रस जीवों से बचना चाहता है, उसको सर्वप्रथम इस लाइट से बचना चाहिए। और हमारे लिए प्रकाश का क्या प्रबंध है? सूर्य देवता हमारी सेवा के लिए खड़ा है। हमारी सेवा के लिए देवता भी नियुक्त हैं, और आप देवताओं से भाग जाते हैं दूर। हाँ, क्योंकि ये भैया देवी देवता है, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर हम आप लोगों को ही देवी देवता समझते हैं, भैया इनसे परहेज कर लो। बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो उपरिल स्वाध्याय है, धवला जय धवला महाधव बंद आदि आदि, कषाय पाउड़, षटकंड आगम, अध्यात्म के सारे सारे ग्रंथ, इनसे जो ही ये आ जाते हैं, त्यो ही अभी भी दक्षिण में बंद करते हैं, और वह आपस में चर्चा करना मुनि महाराज करते हैं। एक बार पूछा हमने एक महाराज को, ऐसा क्यों? इनके लिए ये नहीं बताया है, विशेष भोजन होता तो विशेष बच्चों को ही खिलाया पिलाया जाता है, हर बच्चों को नहीं। तो यहाँ रात्र में पचाने की प्रक्रिया अपने आप ही अवग्रह या अवाय धारणा, ये सारे जो स्वाध्याय के भेद हैं, ये मंझ जाते हैं। और आप लोग पढ़ने को ही स्वाध्याय मानते हैं, चिंतन को स्वाध्याय मानते नहीं। पढ़ते समय और आपका आवाज इत्यादि भी बाधक होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। चिंतन के समय पर आप लोग यदि वहाँ पर हा उल्ला करेंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए 12 घंटे आप लोगों से दूर होने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है, और उस समय हम दिन में जो खाया है वह रात में पचाए। जिस बच्चे की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसको माता पिता को भी बहुत उत्साह होता, प्रसन्नता होती है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, पचा भी रहा है। अब बच्चे की खुराक को अनुपात से बढ़ाना है, और आप अपने रुचि के अनुसार खाएंगे नहीं, आपको खिलाया जाएगा, बस खाते जाओ। गैया कभी ये नहीं करते, मुझे वो लाओ मुझे वो लाओ। हाँ, जो सामने खिलाने के लिए रखा जाता है खाने के लिए, तो वो उसको खा लेती है। और आवश्यकता है तो वो मुंह उठा करके देखती है, तो समझ लेते हैं, उस उतना ही नपातुला उनको रखा जाता है। हाँ, कुछ छूट गया है कि देख लो,
कुछ बच गया है कि देख लो घास, तो उसी घास के पास और थोड़ा से रख देंगे, लेकिन वो घास खाते कि नहीं देख लेते। एक गाय दूध देने वाली दुधारू और एक दूध नहीं देती, दूध नहीं देती है बुरा नहीं मानना, तो दूध देती है तो बच गया उसको और थोड़ा सा मिला करके दूसरे के सामने रख देते हैं। उसी प्रकार हमारा भी कहना, पहले खाया है हमने, खिलाया है, अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश के माध्यम से पचा करके आओ। अब खाते खाते बैठे ऐसा नहीं, दूसरे को भी खिलाओ, जैसे हमने खिलाया था वैसे को वैसे खिलाना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ये यदि नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वाध्याय की बड़ी कमियां हैं। इसलिए ये उदाहरण योग अच्छा आ गया, छात्राएं आए बताते हैं। हाँ जल्दी क्यों आए तुमको, छात्राएं आ गई पर्याप्त नहीं है क्या, बस इतना ही है। अब छात्राएं आ गई तो ये सारी सारी बातें इसलिए, वर्षों के द्वादश स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप, वो आज आधा घंटा 15 मिनट में हमने। अब देखो गाय भैंस आदि आदि चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे, नाक लगा कर सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है यह जहरीला है। और ये दुधारू दुग्ध देने वाली यह घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है उस सूखा तो खा लेते। अरे बंदर ये कैसे है? नहीं, वह विषाक्त है उसके लिए, वह और किसी काम में दूसरे काम में तो ले लेते होंगे लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे लिए कहा है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाएँ है, अनुप्रेक्षा है, प्रश्ना है, प्रश्ना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गए तो, और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा, वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके आपने उस ग्रहण किया है, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे ये प्रश्ना भी ठीक है आपका। वही वही कुछ लोगों के प्रश्न वही वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं, उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है, ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती, ग्राहकों को बनाए सीखो तो फिर देख लो कैसे जाए व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो। और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दद्दा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी, फिर देख लो। हाँ महाराज आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं इसलिए तो आते हैं, और वो काम नहीं करेंगे
तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं कर बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञाएं हैं, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ, इसीलिए ज्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले, नहीं कल के लिए। हाँ बेटा, कल के लिए, ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल, कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं। और समय पर देखो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे, आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती, फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। इसलिए कल की छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ, और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें? दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है, और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो भी उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब? तो बहुत इधर उधर की बातें खाई है, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वह खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार या स्वाध्याय के क्रम में हमें हे उपाधि इत्यादि का, एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवाते भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते हैं? छभागिता क्यों? क्यों? चूंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, दीवार द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वध होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने वध बिच जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तस्कर त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनोदन, यह
बहुत महत्वपूर्ण कर्ण माने जाते हैं। तो ये दो तस से बस एक कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं। सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो इन सब दोषों को याद करो। अहिंसा परमो धर्म। ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे।